भी देखिए कितनी अच्छी सी गोल गोल खट्टी मीठी गोलियां हैं। ये जानते हैं किस चीज से बना हुआ है? ये बना है आंवले से। तो आंवले का सीजन में हमने ये देखिए कितना अच्छा खट्टी मोटी मीठी गटागट गोलियां बनाई है। मार्केट में भी मिलती है। इसको हमने घर में कैसे बनाया है आप जानना चाहेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इस रेसिपी का नाम क्या है। तो रेसिपी ये देखिए, आज इस समय आंवले का सीजन चल रहा है, तो मैं आंवले की रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। तो आंवले की आज हम देखिए खट्टी मीठी गोलियां बनाएंगे, जिसको गटागट गोलियां या कैंडी नाम से बुलाते हैं। तो देखिए हमने आंवले को अच्छी तरीके से धुल के इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस काट ली। हम कच्चे आंवले से ही कैंडी बना के आपको दिखाएंगे। और देखिए इसमें यहाँ पे हम गुड़ यूज कर रहे हैं। ये 200 ग्राम गुड़ है, इसको छोटे छोटे इस तरह से हमने पीसेस बना लिया है। ये शुगर पाउडर है, 150 ग्राम शुगर है, इसको पीस के हमने देखिए पाउडर बनाया है। एक बाउल के करीब है शुगर पाउडर। ये मसाले देखिए हम चाट मसाला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 1 स्पून चाट मसाला है, इससे बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी गोलियां बनती हैं। तो अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इस पे अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो चाट मसाले में सारे मसाले मिक्स रहते हैं, तो इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। और ये देखिए हमने सिंपल सॉल्ट लिया है, ये 1/4 स्पून है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है, इसलिए नमक उसी के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। ये काली मिर्च पाउडर है 1 स्पून, अजवाइन है 1/4 स्पून, और ये 1/4 स्पून काला नमक है। तो नमक इसमें चाट मसाले में होने के हमने इसने 1/4 लिया, 1/4 काला नमक, 1/4 प्लेन सॉल्ट। ये 1 स्पून हमने ये देखिए रेड चिली लिया है, क्योंकि रेड चिली बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है हमारी वाली, इसलिए हमने 1 स्पून ही लिया है। अगर आपका स्पाइसी ना हो तो आप यूज कर सकते हैं और भी। तो चलिए हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने पीसेस में देखिए आंवले को काटा है, इसको हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के पहले इसका एक पतला सा इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसको हम पहले पीस लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे प्रोसेस। देखिए हमने इसको पेस्ट बना लिया है, इस तरह मिक्सी में छोटे वाले जार में डाल के इसको हम 3 बार में पीसे हैं, क्योंकि वहां 1 kg हमारे पास आंवला था। आंवले को हमने बारीक बारीक काट लिया था, इसलिए हमको 3 बार में इसको डाल के पीसना पड़ा। और पीसने में बिल्कुल पानी का यूज नहीं करना है आपको। देखिए बिना पानी यूज किए भी देखिए आंवला अपने आप से पानी छोड़ता है, तो पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। ऐसे ही आप इस छोटे वाले जार में डाल के पीसिएगा। तो इस तरह से देखिए एकदम फाइन सा पेस्ट बना दिए हैं, बिल्कुल देखिए पतला सा बारीक सा है पेस्ट। अब इसको क्या करना है, पैन में हम इसको पहले रख के भूनेंगे। तो एक पैन देखिए हम गैस पे चढ़ा दिए हैं, इसमें हम सारे पेस्ट को डाल देंगे, उसको भूनेंगे। देखिए इसको मीडियम पे आंच करके इसको धीरे धीरे करके इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। तो इसको भूनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा। तो इसको हम आराम से मीडियम पे टेम्परेचर करके धीरे धीरे इसको हम भूनते हैं, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए इसमें कोई भी घी ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट पैन में डाल के इसको हम ऐसे मीडियम पे करके उसको भूनेंगे धीरे धीरे। इसको चला के देखिए 1 kg आंवला है, इसलिए हमारा क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है। तो आप इसको अगर क्वांटिटी कम बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी टाइम लेगा इसको भूनने में। इसी के अकॉर्डिंग आप चीनी नमक जो भी मसाले डाल रहे हैं उसी को आप डालिएगा, उसके अंदाज से घटा बढ़ा सकते हैं। 1 kg में हमने इतना लिया है, अगर आप 1/2 kg डालेंगे तो इसी के हिसाब से आप मीठा और नमक कम कर सकते हैं। हम भी इसको बनाएंगे, फिर इसको जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा तो अगर टेस्ट में कम ज्यादा लगेगा तो उसको घटा बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। धीरे धीरे करके हमें इसे 4-5 मिनट तक भूनना है, जिससे खूब अच्छा से पक जाए। बहुत अच्छी कैंडी बनी हुई है, और घर में ही बना के कैंडी घर में रख दीजिए, बच्चे भी खाए। बच्चे ऐसे आंवला तो खाते नहीं है, लेकिन कैंडी बना देंगे तो जरूर खाएंगे। और बहुत ही ठंडक में बहुत ही हेल्पफुल होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, और गुड़ भी डाल रहे हैं, गुड़ में जानते हैं हीमोग्लोबिन बहुत होता है, तो इसलिए हम सब चीज में पौष्टिक पड़ रहा है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। देखिए अभी 2 से 2.5 मिनट ही हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें का पानी जो है हमारा सूख गया है। पानी बस इसको सुखाना होता है, तो जब पानी सूख जाता है उसके बाद हम इसमें गुड़ और चीनी ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें पहले गुड़ डाल के इसको मेल्ट करेंगे, गुड़ अपने आप धीरे धीरे इसमें डिजोल्व हो जाएगा, गल जाएगा। तो सबसे पहले हम गुड़ के साथ इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो 2.5 मिनट के लिए हमने पहले आंवले को इसको सुखाया, आंवले में पानी होता है, उस पानी को पहले सुखाया, देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब हम गुड़ को थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए इसके साथ ही भूनेंगे, जिससे गुड़ गल जाए अच्छे से। देखिए गुड़ के साथ पक गया है, और इसमें हम सारे मसाले ऐड कर दे रहे हैं।
देखिए यहाँ पे हमने मसाले निकाले थे, ये सब हम एक साथ डाल दे रहे हैं। इसको डाल के चला देंगे। इस तरह से मिक्स हो गया। अब इसी में हम ये चीनी जो हमने शुगर पाउडर बना के रखा है इसको भी हम डाल देते हैं, क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है, तो इसको आप जब आपका पेस्ट बन के तैयार हो जाए तो इसको आप जरूर टेस्ट कर लीजिए। अगर मीठा कम लगे तो आप और भी इसमें शुगर पाउडर या गुड़ जो भी आपको ऐड करना हो ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही गल जाता है, गर्म रहता है पेस्ट उसमें गल जाता है। थोड़ा देर रख के उसको आप पका लीजिए। और मसालों में नमक भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से चला के इसको अभी 1 से 2 मिनट तक इसको हमको और पकाना है। तो इस तरह मिक्स करके इसको हम पका रहे हैं। ये देखिए चीनी हमारा मिक्स हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा बैटर लेकर टेस्ट कर लेते हैं। चीनी कम जा रही तो नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम चीनी और ऊपर से मिला दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 बाउल हमने लिया था शुगर, तो यहाँ पे हम देखिए बड़े स्पून से 4 स्पून और मिला दे रहे हैं। थोड़ा मीठा रहता है कैंडी तो ज्यादा टेस्टी लगता है, तो ये 1/2 बाउल हमने और ऐड कर दिया। इसको ऐड करके इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और मिक्स करके अच्छे से इसका अच्छा सा देखिए पेस्ट तो बिल्कुल तैयार हो गया है। देख रहे हैं पैन भी छोड़ने लगा है, बस इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1/2 मिनट के लिए इसको और चला देते हैं इस तरह से करते हुए। देखिए हमने चीनी डाल के अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, और इसको टोटल पकने में 7 मिनट लगे हैं। 5 मिनट हमने इसको गुड़ और चीनी के साथ मेल्ट किया था, फिर 1 से 1.5 मिनट इसको हमने लगाया और थोड़ी सी चीनी डाल के मसालों के साथ, यानी टोटल 7 मिनट लगा है। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब आप पेस्ट को सबसे पहले भूनते हैं तो उसका पानी अच्छे तरीके से सुखा दीजिए, उसके बाद आप चाहिए तो गुड़ चीनी एक साथ डाल के भी पका सकते हैं, मसालों को भी साथ में डाल के पका सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस तरह से ड्राई होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख रहे हैं पैन बिल्कुल छोड़ रहा है। तो हमने 1 kg लिया था, क्वांटिटी हमारी थोड़ी ज्यादा थी, तो इसलिए हमने शुगर और गुड़ को मिला के नहीं मीठा हमने स्वीटनेस जो डाला वो 1/2 किलो मीठा डाला इसमें, और 1 किलो यहाँ पे मेरे पास आंवला था, तो हमने वो क्वांटिटी ली है। और मसाले भी बहुत परफेक्ट है, हमने इसको टेस्ट कर लिया, इसके बैटर को बहुत ही परफेक्ट है मीठा और मसाला सब। अब इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स देखिए डाल रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1/2 स्पून देसी घी है, इसको बीच में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो बहुत ही सौंधा सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है ये कैंडी में। तो एकदम लास्ट में बस इसको डाल के इस तरह से चला देना है, और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। तो ये डालना है, अगर आप डालना चाहिए तो डालिए, ना डालना चाहिए तो नहीं डालिए, आपकी मर्जी। लेकिन घी डाल देने से इसके फ्लेवर बहुत ही टेस्टी देता है, कैंडी बनता है, तो जैसे स्वीट्स लगते हैं खाने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है कैंडी भी। तो ये हमने डाला यहाँ पे 1/2 स्पून, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया मिक्सचर। हम इसको उसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो फिर हम आपको कैंडी बना के दिखाते हैं। तो इसको हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं, हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। तो ये एकदम ठंडा हो जाने दीजिएगा, तभी आप इसको गोली बनाएंगे। तो चलिए इसकी छोटी छोटी सी गोली बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा आपको छोटा बड़ा बनाना हो आप इस तरह से आप ले सकते हैं बैटर को। देखिए हम इस तरह से ले रहे हैं, थोड़ा सा अगर चिपचिपा लगे हल्का हाथ में तो आप क्या करिए, थोड़ा सा हल्का हाथ में ऑयल या घी लगा लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से लेके इस तरह से देखिए गोल गोल बनाइए, बहुत ईजिली बनता है। ठंडा होने के बाद मिक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है, देखिये इस तरह से एकदम चिकना सा इस तरह से गोली बन जाएगा। देखिये हमने शुगर पाउडर ले रखा है, इसके ऊपर से इसको इस तरह से चार तरह से घुमा के इसके ऊपर कोट कर देना है, ये इस तरह से तैयार करके। ये देखिए इस तरह से हमने बना के रख दिया, देखिए कितनी अच्छी सी गोली बनी है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से बना के गोली को, और इस शुगर पाउडर में इस तरह से चारों तरफ से इसको कोट करके एक एक गोली इस तरह से हम तैयार करके रखेंगे। हम आपको और बना के दिखा देते हैं। तो साइज आप अपनी अपने अकॉर्डिंग ही, जितना बड़ा साइज आपको बनाना होगा आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से लेके। घी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आराम से बन जाता है, ये देखिए बहुत ही चिकना सा बनता है बिल्कुल, देखिए उसे गुलाब जामुन होता है उस तरह से देखने में लग रहा है एकदम चिकना सा। बस इसको शुगर पाउडर में इस तरह करके कोटेड करते जाइए, बस ऐसे ही सारी गोलियां बना के तैयार कर देनी है। ये गटागट गोली भी इसको बोलते हैं, खट्टी मीठी गोली बोलते हैं आंवले का, और बहुत ही जानते हैं ये हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट होता है आंवला। तो इस सीजन में सर्दियों के सीजन में आंवला हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा,
और आपके बच्चों को अगर पसंद आए तो इसको बना के स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, और बच्चों का जब भी कुछ मन करेगा खट्टा मीठा खाएंगे, और हेल्थ का हेल्थ भी रहेगा और उनके उनको फायदा भी करेगा, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है, बड़े छोटे सब खाते हैं। तो इसको आप जरूर बनाइए और ठंडक में इस सर्दियों में इसका एंजॉय करिए। इस तरह से देखिए बना बना के, देखिए हम रख रहे हैं, मैं आपको पूरा गोली तैयार करके फिर हम दिखाते हैं। देखिए हमने गोलियां सारी बना के तैयार कर दी हैं, देखिए कितनी अच्छी गोलियां सब बन के तैयार हुई हैं। देखिए एकदम गोल गोल से परफेक्ट शेप में आई हैं, इसके ऊपर शुगर पाउडर हमने लगा दिया। तो ये विंटर सीजन के लिए बहुत ही हेल्थफुल ये रेसिपी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।